दोस्तों आज तारीख है 31 अगस्त और शिहाब भाई को आज सफर करते हुए 91 डेज हो चुके हैं। तो आज शिहाब भाई कब निकले और अभी कहाँ है, ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों आज सुबह 6 बजे सदासर की होटल थार मिडवे से शिहाब भाई ने आज सफर जारी किया। रात में थार मिडवे होटल के बाहर बहुत ही ज्यादा भीड़ आ चुकी थी और लोगों को ये लग रहा था कि शिहाब भाई रात में सफर करेंगे। शिहाब भाई ने अपना सफर सुबह 6 बजे के बाद जारी किया और इसका फायदा भी हुआ। शिहाब भाई के साथ बिल्कुल 20 से 25 लोग ही चल रहे थे। जैसे कि आप इस वीडियो में देख ही रहे हैं कि शिहाब भाई के साथ कितने कम लोग हैं। शिहाब भाई के साथ इतने कम लोग हमने आज तक नहीं देखे। अपना सफर हनुमानगढ़ की तरफ जारी रखते हुए शिहाब भाई कुसुमगढ़ पहुँचे और यहीं से धीरे धीरे शिहाब भाई के साथ अब भीड़ बढ़ने लगी। फिर शिहाब भाई सावरा गाँव में पहुँचे और सावरा गाँव के आगे हनुमान डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट होता है। अब यहाँ से शिहाब भाई के साथ चूरू डिस्ट्रिक्ट की पुलिस नहीं जाएंगी, अब यहाँ से शिहाब भाई के साथ हनुमान जिले की पुलिस ही रहेंगी। तो शिहाब भाई ने यहीं पर चूरू जिले के पुलिस के साथ कुछ तस्वीरें निकाली और उनसे कुछ देर गुफ्तगू की और सावरा की होटल सेट में शिहाब भाई कुछ देर रुके और फिर शिहाब भाई ने अपना सफर आगे जारी किया। और दोस्तों आपको बता दें कि सावरा गांव तक शिहाब भाई के साथ बहुत ही ज्यादा भीड़ आ चुकी थी और सावरा गांव में शिहाब भाई 9:30 बजे पहुंच चुके थे। आज धूप बहुत ज्यादा थी लेकिन शिहाब भाई यहीं तक नहीं रुके, शिहाब भाई ने फिर से अपना सफर आगे जारी रखा। शिहाब भाई ने अपना सफर जारी रखते हुए दोपहर को शिहाब भाई पल्लू गांव में पहुंचे और वहीं की होटल महामाया में ठहरे। अभी भी शिहाब भाई वहीं रुके हुए हैं और सुबह से लेकर दोपहर तक शिहाब भाई ने आज 35 किलोमीटर का सफर तय किया और आज धूप भी बहुत ज्यादा थी। आप वीडियो में देख ही रहे कि कैसे शिहाब भाई के साथ लोग छतरी लेके चल रहे हैं। शिहाब भाई अब यहां से अपना सफर आगे कब जारी करेंगे ये किसे भी नहीं पता है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है तो भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जा रही है। लेकिन जब भी शिहाब भाई अपना सफर आगे जारी करेंगे तो इसकी अपडेट हम आपको जरूर देंगे। तो दोस्तों ये था शिहाब भाई के आज के पूरे दिन का अपडेट। तो शिहाब भाई से रिलेटेड ऐसी ही अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।